तो उन्होंने उन्होंने फिर जैद का नाम सजेस्ट किया। मुझे तो पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका नाम चेंज कर दूं। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, ये फॉलोअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। इसमें ये भी हमने बताना है कि आज जैद का पहले नाम क्या था, मैंने जैद का नाम चेंज क्यों किया। ओके गाइस, सो मामा मेरे ने मुझे बताया कि अभी हम थोड़ी सी गॉसिप करने वाले हैं। तो क्या गॉसिप कर रहे हैं आज? फैमिलीज में कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो ननिहाल वालों की तरफ से, ददियाल वालों की तरफ से वो चाहते हैं हम उसका नाम रखें, वो चाहते हैं हम उसका नाम रखें, और पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हम उसका नाम रखें, स्पेशली माँ भी चाह रही होती है। तो आप क्या चाह रही थी कि मेरा नाम हो? तो पहले हम फवाज की बात करते हैं। तो फवाज का जो नाम था उसके ग्रैंडपा ने रखा था, हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको। और फिर उसके बाद जब जैद पैदा हुआ है तो मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो मोस्टली मेरी मदर जो थी। सो जाएंगे लोग, सो जाएंगे सुनते सुनते, बस कर दें आप मुझे। आप बस डायरेक्ट बता देंगे इसका पहला नाम क्या, इस वीडियो का नाम आप रख दें हाउ टू फॉल अस्लीप। Oh no. देखो लोग जानना चाहते हैं ना, लोग जानना चाहते हैं कि बेसिकली कि क्या 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 जानना चाहते हैं पूरे सिनेरियो में क्या होता पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो इतना वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें कि वो नाम रखे ना कुछ भी, क्योंकि मेरी मदर तो पैरालाइज थी तो वो तो बात भी नहीं कर सकती थी, तो फादर मेरे इतने जैसे इसमें नहीं थे। तो फिर जो मेरे लॉस थे उन्होंने फिर तो उन्होंने उन्होंने फिर जैद का नाम सजेस्ट किया, हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो नाम क्या रखा था वो अभी बाद में बताते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी मैं सस्पेंस रख रही हूँ क्योंकि अभी हमने जैसे सारी स्टोरी खत्म होगी तो एंड पे। अच्छा, फिर आप ये कहें कि आपके जो इन-लॉज वाले उन्होंने एक्स नाम रखा। हाँ, एक्स वाई कुछ भी नाम रख दिया। उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, 2 मंथ्स का होगा, तो ये बहुत तंग करता था, बहुत रोता था। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इसका नाम आप चेंज कर दें, इसका नाम था लेकिन बाबा तो नहीं था जो तंग। लेकिन मैं ऐसी चीजों पे इतना नहीं बिलीव करती, बट ये है कि नाम अच्छा रखना चाहिए बच्चे का, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। तो मेरे पता नहीं अंदर से कुछ हो रहा था मुझे कुछ के मुझे तो पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका नाम चेंज कर दूं। और जैसे मुझे जैसे कि मैंने पहले बताया कि माँ की तो कोई सुनता नहीं है उधर से, फिर क्या हुआ अभी हम एक जन स्टोरी के कितने परसेंट तक पहुंची। बस ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अच्छा। तो फिर उसके बाद जैसे आमना पैदा हुई तो आमना का भी नाम उनके मेरे लॉस नहीं रखा, उनके आपके पेरेंट्स वो यही नाम था या वो भी एक्स वाई जेड था? नहीं, इसका नाम भी थोड़ा डिफरेंट, पहले उन्होंने कहा फातिमा रखना है, मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत ताबेदार बहू थी, मुझे जो भी कहते थे मैं कहती थी ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आमना रख दे, मैंने कहा ठीक है आमना। जब जैद स्कूल गोइंग हुआ तो मैंने इसका नाम फिर चेंज कर दिया, मैं इसका नाम जो फर्स्ट नेम था वो था, सबको ऑलरेडी पता है, मैं एक वीडियो में डाला है मम्मा नहीं, हाँ व्लॉग में आपके साथ, आपने सबको बताया हुआ ऑलरेडी, किसी को भी याद नहीं होगा। अच्छा, कमेंट करके बताओ अजफर था। नहीं नहीं नहीं, आप कमेंट करके बताएं कि किसको जैद के थ्रू पहले से पता था कि जैद का क्या नाम है और किसको अब पता चला है। मुझे आमना को लग रहा था मेरा नाम असगर था। मुझे शुरू से ना जैद नाम अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि इसका नाम जैद रख दूं। याद है व्लॉग में आपसे मैंने पूछा था आपने मेरा नाम असफर क्यों था, फिर आपने कहा कि क्योंकि मुझे जैद पसंद था, तो मैंने कहा शुरू से जैद क्यों नहीं रखा। याद है वो जो कोरोना वाला व्लॉग किया था जब आप कहती फादर तहरीम करने वाले थे, कोरोना आ गया। पर वो किसी को अभी तक याद नहीं होगा, वो देखता नहीं। कमेंट में बताए अगर किसी को पता। तुमने ना कोट खा ली है, आंटी यहाँ पे हमने फैक्ट लगाना है कोरोना अलर्ट। बस बस मम्मा, बस बस मैं बताता हूँ मेरा नाम असफर, जैद के भी अंदर से कुछ आ रहा है फीलिंग। हाथ दिखाए, हाथ देना, चलो पारी कर, कोई बात नहीं, कोई बात देखे, ये मैं डालना ही नहीं है भाई। लोग मोस्टली नाम चेंज करते हैं तो नामों का भी बंदों पे असर होता है, जैसे कोई गुस्से वाला जिस किसी का नाम हो ना, अगर उसका जैसे साद है ना, साद वाले नाम वाले लोग यूजुअली गुस्सा करते हैं। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, इसीलिए कहा गया कि बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखें। हसन का मतलब क्या होता? अच्छा,
हसन का मतलब अच्छा होता है, अच्छा आमना का मतलब क्या होता है ये बताओ। पीसफुल वुमन, बस पीसफुल, अल्लाह माफ करे। जैद का मतलब क्या होता है? Prosper, succeed in material terms, to be financially successful, flourish physically, grow strong and healthy. God has wonderfully prospered this nation. Mama, मैं अपना name change कर रही हूँ जब. Nahid means honorable. Oh, honorable. Hello guys, आज आप लोगों को पता चला कि मेरा नाम पहले असफर था और अब जैद हो गया है. और आप लोगों को ये भी पता चला कि मम्मा की ननियाल ददियाल फुल स्टोरी मम्मा ने आज आपको पैकेज में बता के सुना दी. अगर आप लोग अभी तक उठे हुए और आपको नींद नहीं आई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट दिस फार. आपकी हिम्मत मीन्स मोस्ट विक्टोरियस और विनर, बस दोनों सेम मीन्स हैं. विनर से मेरे आंटी ने देखो, आंटी ने देखो इसका वो सिनोनिम क्या होता है. आंटी को बस रोना आ गया. तो चलिए गाइस, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द गॉसिप, गॉसिप चटपट. यस, होप यू गाइस एंजॉयड इट, होप यू गाइस हैड फन. और आप लोगों को आज ये भी पता चला होगा कि मेरा नाम पहले असफर था, आमना का पहले नाम ओ हाँ, मेरा नाम भी पहले अल्लाह अच्छा मेरे कान में बताएं क्या. सिक्स इयर्स तक मेरा वो नाम रहा और फिर उसके बाद अच्छा कान में बताएं क्या नाम, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊं. चलिए मुझे कान में बताओ. नहीं नहीं, आपको बता देना मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा. ये फॉलोअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह. किसी भी वीडियो में बक्सावर था मम्मा का नाम. नो, आप कोई भी नहीं गेस कर सकते. तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.